है गैस, तो कैसे हो आप लोग। मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँगा कि इस तरह से फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो को फुल देखो और चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं पिक्सआर्ट के अंदर बड़ी आसानी से। तो वीडियो को फुल देखो। तो ये है बिफोर वाला फ़ोटो, ये है आफ्टर वाला फ़ोटो। तो और बिना कुछ बोल के चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गैस, आपको क्या करना होगा, अपनी फ़ोटो को मतलब जिसको एडिट करना चाहते हैं उसको पिक्सआर्ट के अंदर फ़ोटो को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ओपन हो रहा है हमारा फ़ोटो। तो ओपन हो जाने के बाद इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करके, एडजस्टमेंट पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा। आपको क्या करना है, लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है, इसको भी थोड़ा सा हाई कर लेना है, इसको भी थोड़ा सा हाई, और इसको भी थोड़ा सा हाई, इसको थोड़ा सा माइनस, इसको थोड़ा सा माइनस, इसको फुल माइनस कर देना है। फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, इधर क्लिक करके इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है फुल। माइनस करने के बाद इधर टैप करना है आपको, टैप करने के बाद जूम करके साइज को इतना रखना है, जूम करके इस तरह से पेन करना है आपको। तो हाथ पे जो कलर आ चुका है रिमूव हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही आसान है, वीडियो को फुल देखो और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ऐसे रिमूव कर देना है आपको, धीरे धीरे से करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ वीडियो, इसलिए स्किप करता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने रिमूव कर चुका हूँ, अब क्या करना है, राइट वाले ऑप्शन पे टैप करके, फिर से राइट वाले ऑप्शन पे टैप करके फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाके, ये है ड्रॉ वाले ऑप्शन, इधर क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है, सेव इमेज। तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है, और भी फोटो को ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ब्लर करने के लिए आपको क्या करना है, आफ्टर फोकस ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगा, उस चलते हैं उस ऐप्स पे। तो आपको फोटो को लेके जाना है आफ्टर फोकस ऐप्स पे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, बहुत ही आसान है ब्लर करने का, ऐप्स बहुत ही अच्छा है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और इसको इधर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है गाइस। कुछ इस तरह से पेन कर देना है मॉडल के अंदर। बहुत ही आसान है गाइस, वीडियो को फुल देखो। करने के बाद अब बता देता हूँ मैं आपको, इस तरह से करने के बाद मॉडल के अंदर इधर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेन कर देना है बैकग्राउंड के अंदर। जैसे कि गाइस एक क्लिक में हो चुका है हमारा, जिधर जिधर छोड़ चुका है फिर से इधर क्लिक करके कुछ इस तरह से पेन कर देना है। तो गाइस हो चुका है, आप क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख ही सकते हो कितना ब्लर हो चुका है, पहले वाला ब्लर एंड आफ्टर वाला ब्लर। ब्लर को और भी हाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हाई कर देना है। तो देख ही सकते हो बिफोर वाला ब्लर एंड आफ्टर वाला ब्लर। आपको क्या करना है, फ़ोटो को सेव कर लेना है, सेव पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताया, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।